स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर. मतलब हमारे पास यूं भी हो सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा हो कि आप बताएं इसका मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, ठीक है, या फिर इसका ग्राफ ड्राइव करें. या फिर हमसे ये भी कहा जा सकता है कि आप एक लीनियर इक्वेशन भी ले लें, ठीक है. जैसे ये आप देख सकते हैं, इसमें एक्स की पावर यानी जो वेरिएबल है उसकी पावर वन हो, डिग्री वन हो, तो हम इसे कहते हैं एक पॉलिनोमियल डिग्री वन वाली जो इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है. तो इन दोनों को हमने देख एक ही ग्राफ पे ड्राइव कर ड्रॉ करना होगा, ठीक है, एक ही मतलब ग्राफ पेपर के ऊपर, और देखना होगा कि ये कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इनका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सेट मालूम करना हो अगर, यानी इसका एक सेट बनाना हो, ठीक है, या खाली सोल्यूशन देखना हो, तो वो हम कैसे ग्राफिकली देख सकते हैं, आज इसको समझते हैं जी. जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप इसको देखें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है, इसके लिए आपने जो ऑर्डर पेयर्स लिए हैं वो x की वैल्यू पॉजिटिव 4 से लेकर, मतलब ज्यादा से ज्यादा, और x की वैल्यू माइनस 4 से लेकर, ये इस लिमिट के अंदर अंदर रखने हैं आपने, ठीक है. अब ग्राफ बनाने के लिए अगर हम 5-6 पॉइंट्स भी ले लें तो बहुत है, वो एक ग्राफ बन जाता है हमारा, ठीक है. लेकिन उन्होंने इन वैल्यूज के ऊपर कहा हुआ, और कहा हुआ कि आपने फिर जो ये इक्वेशन है दूसरी, जो वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू है, इसको भी ड्रॉ करना हो, देखना है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर, तो फिर इसका मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट देखेंगे, क्या इसका मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम. पहला तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे. देखिए, हमने ये बात समझी थी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो है, जो भी कोफिशियंट, यानी फर्ज करें अगर ए है, ठीक है, मैं जनरल ए लिख रहा होता हूँ, अगर ये पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं हमारी जो इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है वो तो इस तरह की शेप का होता है, यानी पैराबोलिक शेप का होता है, और उसका जो फेस ओपन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, मतलब वाई एक्सिस की तरफ होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ. और अगर वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो फिर वो इस तरह से ओपन हुआ होगा, ठीक है. अगर हमारा यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो हमें मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे हमें जो है वो मैक्सिमम पॉइंट मिल सकता, मिनिमम नहीं मिल सकता. मतलब देखें, यहां से नीचे नीचे हम चल रहे हैं, y की वैल्यू के हिसाब से जितना हम नीचे आते जाएंगे नेगेटिव वैल्यू और छोटी होती जाएंगी, ठीक है. माइनस 10 माइनस मतलब 6 से छोटा होता है, ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर जीरो सबसे बड़ा है. और अगर हम इस तरह से देखेंगे हमारा ग्राफ ऐसे है तो फिर हमें इसमें मैक्सिमम तो नहीं बता सकते, मिनिमम हम बता सकते हैं, मतलब जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो लाइन जिसके राइट और लेफ्ट साइड पे हमारा ये ग्राफ सिमेट्रिक होगा, वो लाइन और ये कर्व जिस पॉइंट पे मीट कर रहे होते हैं वो हमारा मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है, वो हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है. ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है. अब हम इसको इन ऑर्डर पेयर्स ने हमारी, मतलब ये तो ऑर्डर पेयर तो बने बनाए आ गए हमारे लिए, तो बहुत आसान हो जाएगा कि हम इनको बस मिलाते जाएंगे तो हमारी वो जो ग्राफ है वो बन जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पर हमें वो लाइन्स ड्रॉ करना और वो जो सिमेट्री ढूंढना वो ऐसा मसला नहीं है, ठीक है. चलिए, पहला ऑर्डर पेयर जो हमारा आ रहा है वो एक्स की वैल्यू, यानी अब सीसा को माइनस 4 रखने से ऑर्डिनेट 14 आ रहा है. मैंने लॉन्ग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, थोड़ा सा ग्राफ को बनाने से पहले इसके जो एक्सिस, मतलब इसके जो स्केल्स हैं उसको जरा समझ लें कि लॉन्ग एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैंने वन बिग स्क्वायर, ये जो आप देख रहे हैं ये वन बिग स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से इसको वन यूनिट ही के इक्वल रखा हुआ है, जबकि लॉन्ग वाई एक्सिस जो है वन बिग स्क्वायर जो है वो 5 यूनिट के इक्वल है, मतलब जो इसमें स्मॉल स्क्वायर है टू स्मॉल स्क्वायर वो 1 यूनिट के इक्वल है. इस तरह से 4 होंगे 6 10, यानी 10 जब होंगे स्मॉल स्क्वायर तो वो 5 यूनिट बन जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से ये स्केल मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, जो कि मैंने ओरल बता दिया, आप इसमें इसको अगर लिखना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है. अब देखें, इसमें माइनस 4 एक्स की वैल्यू माइनस 4 रखने से, ठीक है, ये एक्स की यानी एक्स इक्वल टू माइनस 4 की अगर हम इक्वेशन देखें तो ये लाइन बनेगी जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस से आ रही है, ठीक है. अब हमने इस लाइन पर रहना है, ठीक है, और वाई की वैल्यू 14 देखनी कहाँ पर है, तो ये देखें दो बॉक्स पीछे आ जाए 15 से, 1 2 यहाँ पर, तो ये y इक्वल टू 14 जो होती है ये वो लाइन होती है जो कि पैरल टू x एक्सिस होती है, मतलब इधर से हम इस लाइन पे रहेंगे पैरल टू y एक्सिस, इधर से हम इस लाइन पे रहेंगे, तो जहाँ पे दोनों मीट करेंगी यहाँ पर, ये असल में हमारा वो ऑर्डर पेयर है, ठीक है. ये बात आप जानते हैं लेकिन चलें एक दफा दोबारा रिवाइज किया आपसे मैंने, ये आ जाएगा जी पहला ऑर्डर पेयर, ठीक है, ये हमारा 0.1 है. फिर इसी तरह x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 6 रखने से, 6 मतलब कि हम यहाँ से 5 से 2 बॉक्स ऊपर आ जाएं और ये 3, तो ये हमें दूसरा ऑर्डर पेयर मिल गया, ठीक है. इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये चले बाद में मिलाएंगे, थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कैसे ग्राफ जा रहा है. x की वैल्यू -2 रखने से y की वैल्यू 0 आ रही है. ये ऑर्डर पेयर आप बना लीजिएगा, यहाँ पर मैंने इनकी सिर्फ वैल्यूज लिखी हुई है, x वैल्यू -2 रखने से y की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब हम x एक्सिस पर ही हैं, ये ठीक है जी, ये 3 पॉइंट आ गया.
फिर फोर्थ पॉइंट, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखने से वाई की वैल्यू माइनस फोर आ रही है, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखने से वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ये माइनस वन, वाई की वैल्यू माइनस फोर, मतलब दो बॉक्स से माइनस वन आएगा, फिर दो बॉक्स से माइनस टू आएगा। हमने कहाँ पे आना है जी, हमने माइनस फोर पे आना है, इसका मतलब फाइव से हम दो बॉक्स पीछे आ जाए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये यहाँ पर आ गए हम, यहाँ से ये देख लें आप, माइनस फाइव से दो बॉक्स पीछे आए हम, तो माइनस फोर आ गया। अब देखें ये कुछ आइडिया हो रहा है मुझे कि ये ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, अभी इसमें मिनिमम पॉइंट हमें मिल जाएगा। देखें मिनिमम पॉइंट देखते हैं कि आगे कहाँ से आ रहा है। ठीक है, क्या पता इन ऑर्डर पेयर्स में हो, क्या पता हमें खुद से निकालना भी पड़े। ठीक है, ये देखना पड़ेगा। अब देखें आगे एक्स जीरो रखने से वाई माइनस सिक्स है, मतलब ये फाइव माइनस फाइव, ये माइनस सिक्स, यहाँ पर हम आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर एक्स की वैल्यू प्लस वन रखने से वाई फिर माइनस फोर है, लेकिन अब ये ग्राफ यहाँ से यू शेप, मतलब ये यूं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आएगा कि हम माइनस फाइव से एग्जैक्ट यूं आ जाए, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आएंगे हम, थोड़ा सा हमारा कर्व बन रहा है, तो हम उस कर्व को बरकरार रखेंगे, जिससे हमें बात पता चलती है कि ये और नीचे आएगा, मतलब वाई की वैल्यू माइनस, यहाँ से जो सिक्स है, जीरो पे भी माइनस सिक्स है और वन पे भी माइनस सिक्स है, लेकिन एक वैल्यू होगी जिससे ये थोड़ा सा सिक्स से और मतलब माइनस सेवन की तरफ आएगा। ठीक है, वो पॉइंट हमारा मिनिमम है और बेसिकली उसी के गिर्द हमारा जो ये कर्व है, मतलब उस फर्ज करें कि वो पॉइंट यहाँ पर है, इनके मिड में है, मैं एक एवरेज बात करता हूँ, इनके मिड में है। ठीक है, तो वो अब ये ग्राफ जितना इस साइड पर है, इस लाइन से, ब्लू लाइन से, और इधर भी राइट साइड पे भी ये इतना ही होगा, मतलब ये इस तरह से आएगा। ठीक है, अभी देखें इसका हम ग्राफ पूरा करते हैं, फिर आपके बात और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। टू पर, टू पर माइनस फोर है, टू पे ये देखें माइनस फोर, यहाँ पर ये देखें टू पे माइनस फोर है, ये इस तरह से, और थ्री पे जीरो है, थ्री पे हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखें थ्री पे जीरो, और फोर पे सिक्स है, ये फोर है, और इस पे हमने आना है छः पे, ये यहाँ पर ये छः है, दो बॉक्स ऊपर, पांच से दो बॉक्स ऊपर आ जाएंगे हम। ठीक है, ये देखें, तो बात वही जो मैं आपको भी कह रहा था कि सिमिट्री रहेगी और ग्राफ हमारा बन गया है। ठीक है, और इसमें मिनिमम पॉइंट अगर हमें कोई कहेगा तो ये एवरेज बात हम करके यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, जीरो और वन का हाफ, पॉइंट फाइव, जीरो पॉइंट फाइव, तो इस इक्वेशन में हम अपनी इस इक्वेशन में अगर 0.5 या 1 बाय 2 लिख लें तो हमें y की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, यानी वो मिनिमम पॉइंट मिल सकता है। क्या होगा जी, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से जरा, 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 और माइनस 6। ठीक है, 1 बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 बाय 4, 1 बाय 2, माइनस 6, इन तमाम का एलसीएम ले लें, 4 आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 1 टाइम 4, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, 4 2 टाइम, या 2 2 टाइम 4 होता है तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, और 6 का डिनोमिनेटर 1 है, मतलब 1 4 से डिवाइड होगा, 4 4 6 से मल्टीप्लाई होकर 24, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 24 माइनस 25 ओवर 4 मिल रही है। ठीक है, जो कि अगर मैं कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करूं माइनस 25 को 4 से, देखें 25 को 4 पर डिवाइड कर लेते हैं, ये आती है 6.25, 6.25 माइनस में। ठीक है, इसका मतलब देख ले, मैंने जो बात कही थी कि माइनस 6 से हम और नीचे आएंगे, तो ये 6.25, जो कि इसको मैं, और इसका जो एब्सिसा होगा वो तो 1 बाय 2 होगा। ठीक है, जो इसका ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो होगा जी माइनस 25 ओवर 4, मतलब मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में या रैशनल फॉर्म में रहने दूंगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मिनिमम पॉइंट। अब हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है कि हमारी ये वाली इक्वेशन जो दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये कहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखें कि एक बहुत आसान तरीका है, हम वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट ले लेते हैं, हमारी इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों शामिल है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हम इसमें एक्स को जीरो पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आती है, टू, इसका मतलब एक पॉइंट तो हमें मिल गया, एक्स जीरो y 2, 2 कहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे दो चार बॉक्स ऊपर आ जाए, यहाँ पर एक पॉइंट ये आ गया हमारा। और अगर हम y को जीरो पुट कर लेते हैं, ठीक है, देखें x 0 y 2, सॉरी यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, मैंने थोड़ा सा इसमें गलत किया, x 0 और y 2, ठीक है ये यहाँ पर सही था। अब हमने y को जीरो करना है, ठीक है, अब हम y को जीरो लिखेंगे और x क्या आएगा, तो x आ जाएगा यहाँ पर, अगर जीरो आ जाए तो x आ जाएगा जी माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब ये इस तरह से इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए ये लाइन इस तरह से ड्राइव होगी। ठीक है, और ग्राफिकली अगर आप देखें तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहाँ जहाँ ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है,
माइनस टू जीरो, देखें माइनस टू एक्स माइनस टू वाई जीरो, इसमें भी एक्स माइनस टू वाई जीरो, एक पॉइंट तो हमें ये मिल रहा है, और दूसरा आप यहाँ से ग्राफिकली परपेंडिकुलर थ्रो करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आप खुद निकाल लीजिएगा।